हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दुनिया में सब कुछ बदल चुका है। लड़के जो हैं वो लड़कियों की तरह कान में और नाम में बाली पहनकर घूम रहे हैं, तो वहीं लड़कियां लड़कों की तरह टॉमबॉय बनती जा रही हैं। और वो जमाना बीत गया जब ये कहा जाता था कि लड़कियां लड़कों की कभी बराबरी नहीं कर सकती। तब की सोच अलग थी यार, और आज की सोच अलग है। आज तो लड़कियां बॉडी बिल्डर बन रही हैं, और ऐसी बॉडी बिल्डर बन रही हैं कि किसी के भी होश उड़ा कर रख दें। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा ताकतवर महिला बॉडी बिल्डर से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये इतनी खूबसूरत हैं कि आप इन्हें देखते ही घायल होने वाले हैं। लेकिन जब बात आती है इनकी ताकत की, तो यकीन मानिए इनके जैसा कोई और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पर आप नए भी हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दें, अच्छा लगेगा। जूलिया फेंस। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जिस लड़की से मिलवाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये हैं रूस की जूलिया फेंस। इन्हें देखकर बस एक ही बात कही जा सकती है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, और ये बहुत ही अट्रैक्टिव भी हैं। इन्हें तो कोई बॉलीवुड की फिल्म्स में भी काम दे दे, है कि नहीं। अब में से बहुत सारे लोग हंस रहे हैं मेरी बातों पर, है ना, पर बॉलीवुड में आज के दिन कौन किसको काम दे देगा, उनका तो खुद का ही काम खराब है। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं जूलिया की। वो कहते हैं ना कि मन का जीता जग जीते, ये बात इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। जूलिया का कहना है कि जब वो छोटी थी तब से इन्होंने बॉडी बिल्डिंग को अपना शौक बना लिया। ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, लेकिन इन्हें कभी घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया। घर वालों का बार बार ये कहना कि बॉडी बिल्डिंग लड़कों के लिए होता है ना कि लड़कियों के लिए, इस बात ने तो जूलिया को और ज्यादा मोटिवेट कर दिया। अपने आप को प्रूव करने के लिए वो रोज ही जिम जाती थी। अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए वो खूब मेहनत करती थी, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि लड़कियां भी बॉडी बिल्डिंग कर सकती हैं। ये देखिए आज ये कहां से कहां पहुंच चुकी हैं, और देखिए ना आज कैसे दुनिया इनके पीछे चल रही है। कहते हैं कि ये 8 से 10 घंटे रोज जिम में मेहनत करती हैं। ये बात तो 100% सच है कि मेहनत करती हैं, तभी तो आज ये इतनी ज्यादा कामयाब है। ये देखिए ना कैसे जूलिया वजन उठा रही है। भाई, जूलिया की मेहनत तो साफ साफ नजर आ रही है, आप तो बस इनकी खूबसूरती देखे जाइए। और कुछ लोग तो लव लेटर भी लिखने लग गए होंगे, क्या बात है। बखर नवेवा। दोस्तों, हम आपको मिलवाते हैं बखर से, जो कि इस समय की सबसे टॉप क्लास महिला बॉडी बिल्डर्स में से एक हैं। जी हाँ, देखिए आप इन्हें, ज्यादा मत देखिए, नहीं तो आपको भी प्यार हो जाएगा। इनकी नशीली आंखों से दुनिया की सबसे ज्यादा जबरदस्त महिला बॉडी बिल्डर्स में से एक है ये। दोस्तों, ये यूक्रेन देश की रहने वाली है। बाय गॉड, इनकी खूबसूरती देखकर कोई भी कहे ओह माय गॉड, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही गुस्से वाली भी है। कई लड़के आज तक इनके प्यार में पागल है, लेकिन ये किसी को भाव नहीं देती। जी हाँ, ये आज तक अपने काम पर ही ध्यान देती आ रही हैं। ये देखिए कैसे बास्केटबॉल लेकर हर गेम खेलती हैं। कहते हैं कि ये हर रोज 6 से 7 घंटे जिम में बिताती हैं। इतना ही नहीं, आज ये सोशल मीडिया की रानी है, मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। जब भी ये अपना कोई भी एक्सरसाइज करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डालती है तो लाखों में व्यूज आते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि दोस्तों ये ज्यादा कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन जिसमें भी लेती है कभी हारती नहीं है, क्या बात है। एरिका कॉडी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लड़की से जो कि बेहद खूबसूरत है, और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इनके सामने कोई नहीं टिकता। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात तो ये है, एक बार इनको देख लीजिए, इनकी पर्सनैलिटी को देखिए। जानते हैं आप इन्होंने ये पर्सनैलिटी बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, या यूं कहें कि कर रही हैं। ये हर रोज 7 से 8 घंटे जिम में वर्कआउट करती हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता ऐसे कहां मिलती है। अगर किसी को सफल होना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आज दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये इतनी बड़ी मॉडल बन गई। ये 117 साल की उम्र में एक बार पूरी तरह से बीमार हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर ने यह भी कह दिया था कि इनके बचने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन दोस्तों एरिका बच गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने बॉडी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगी। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जो आप चाहते हैं वो सब आप हासिल कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। आज के दिन ये मॉडल भी हैं, ये फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने खूबसूरत बॉडी बनाई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एरिका बॉडी बिल्डिंग में एक चीज को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, और वो है डाइट। जी हाँ, आपको भी लग रहा होगा कि जो डाइट फॉलो नहीं करेगा वो कैसे इतनी सॉलिड बॉडी बना सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में ये कहती हैं कि जब ये अपनी मर्जी का कुछ खा लेती हैं तो उसके बाद जिम में जाकर ज्यादा मेहनत कर लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी पसंदीदा फूड खाना छोड़ दें। भाई, एक बात तो है कि ऐसी ही लड़कियों को कहा जाता है ब्यूटी विद बॉडी।
श्वेता राठौर। दोस्तों हम आपको मिलवाते हैं अपने देश की शान हिंदुस्तान की बेटी से, जिसने इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत का नाम रोशन किया है, श्वेता से। जी हाँ, ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। इनफैक्ट पहली नजर में ही ये आपको एक सुपर मॉडल की तरह नजर आएंगी, लेकिन जब बात होती है बॉडी बिल्डिंग की तो सब श्वेता के सामने फीके साबित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्वेता भारत की पहली बेटी है जिन्होंने लड़कियों की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी इंटरनेशनल इवेंट में। क्या बात है! इतना ही नहीं, 2014 में ये बॉडी बिल्डिंग के एक इवेंट में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। लेकिन सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि श्वेता इंजीनियर हैं, वो बायोकेमिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुकी हैं। लेकिन इनका कहना है कि लाइफ में इंसान को वही काम करना चाहिए जो कि उसे पसंद हो। ये देखिए कैसे इन्होंने अपनी बॉडी को आयरन बना दिया है। हिंदुस्तान में श्वेता को कई लोग प्यार से आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद श्वेता ने ये मुकाम हासिल किया है। आज श्वेता की खूबसूरती न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी खूब सुनाई दे रही है। एक से बढ़कर एक ब्रांड श्वेता को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की बेटी है और सबसे अलग भी है, इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया कि ये अपना खुद का ही ब्रांड बनाएंगी। आज ये सफल बिजनेस वुमन भी हैं। कहते हैं कि इनकी रूटीन लाइफ सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है और उसके बाद रात में 10 बजे तक ये काम करती हैं। सच में किसी ने सही कहा है कि सफल होने के लिए इंसान को अपने अंदर की शक्ति को पहले पहचानने की जरूरत होती है। श्वेता आप इसी तरह से देश का नाम रोशन करती रहिए, पूरा देश आपके साथ है। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नवरीत जॉसन। फ्रेंड्स अब हम आपको मिलवाते हैं नवरीत जॉसन से। जी हाँ दोस्तों, भारत की एक और बेटी जिसने देश का नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जिस भी कंपटीशन में हिस्सा लेती हैं उसे जीत जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेसिकली जलंधर से हैं लेकिन दिल्ली में जॉब करती हैं किसी बड़े कॉस्मेटिक कंपनी के साथ। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर जॉब करते हुए ये कैसे अपनी बॉडी को मैनेज कर पाती है। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। नवप्रीत भी कुछ ऐसा ही करती हैं। उनका कहना है कि जब वो अपनी कंपनी के लिए काम करती हैं तो उनका पूरा फोकस अपनी कंपनी के काम पर ही होता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही ये छुट्टी लेती हैं वैसे ही सीधा जिम में पहुंच जाती हैं। यही तो खासियत है इस लड़की की। अब दोस्तों ये भी देख लीजिए कि कैसे ये कसरत करती हैं जिम में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 7 से 8 घंटे बिताती हैं जिम में जब भी मौका मिलता है। नवरीत दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है। इसके पीछे की एक वजह है और वो है दोस्तों, मस्कुलर ज्यादा नहीं है, ये स्किनी है, लेकिन इनके बॉडी में परफेक्ट कट्स हैं। तभी तो जहां भी कट्स दिखाने पर ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं वहां इन्हें कोई हरा नहीं सकता। क्या बात है यार! लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा स्पेशल है नवरीत में वो ये है कि किसी को भी किसी भी चीज से ये शिकायत नहीं करती। ये बात मेरे ख्याल से हम सबको सीखने की जरूरत है ना? बहुत अच्छी चीज है, आप भी सीखिए। किकी विक। दोस्तों अब जिससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आपके दिल को लूट लेगी। जी हाँ, इनका नाम है किकी। आपको बता दें कि किकी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक समय था 2011 का जब वो इतनी परेशान हो गई थी अपनी कमजोर बॉडी को देख देख करके, वो जीना नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों तभी किसी ने इनको मोटिवेट किया कि आप अपने शरीर को बदलने की कोशिश कीजिए, ना कि अपने आप को खत्म करने की। बस फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये देखिए ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं। 2011 से जो इन्होंने जिम करना शुरू किया वो सब आज भी जारी है। कहते हैं ना कि जिसको जो हासिल करना होता है वो उसे हासिल कर ही लेता है। ये देखिए कैसे इन्होंने अपनी बॉडी को बदल कर रख दिया। ये देखिए ना कैसे इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए अपने सारे सपने पूरे कर लिए हैं। आपको बता दूं कि आज इनके साथ दुनिया की एक से बढ़कर एक ब्रांड्स आती हैं काम करने के लिए, क्योंकि 4 साल में इन्होंने अपने आप को इतना बदल दिया है कि आज इनकी लाइफ ही बदल गई है। वैसे आप सबके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि कीकी आज भी सिंगल है, तो देख लीजिए दोस्तों अगर किसी को कीकी के साथ लाइफ सेट करने का इरादा हो तो कर लीजिए। यक्सुनी मिलाग्रोस और क्वीन गार्सिया। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सुपर टैलेंटेड बॉडी बिल्डर से जो कि हैं वेनेजुएला अमेरिकन। जी हाँ, कौन नहीं जानता येक्सिन मैकड्रोस ओरिगिन गार्सिया को। कहा जाता है कि जब भी ये किसी कंपटीशन में उतरती हैं तो हर जगह इन्हीं के नाम का शोर होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार इन्होंने कुछ भी करने का ठान लिया तो फिर पीछे मुड़कर देखना इनकी आदत है नहीं। कई सारे लोग इनको एटीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जिस तरह से ये इस समय कमाल का काम कर रही हैं कोई इनके पीछे स्टैंड नहीं कर पा रहा। ये देखिए इनकी बॉडी को देखिए एक बार, वाकई में इन्हें देखकर कोई बस यही कह सकता है कि काश इसी तरह की बॉडी ईश्वर हमें भी दे दे। हर पार्ट में कट्स हैं, हर पार्ट का शेप आप देखिए कितना कमाल का है। वाकई में इन्होंने तो सभी का दिल जीत लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज के दिन भी ये कम से कम 6 से 8 घंटे जिम में बिताती हैं। जी हाँ, साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि आज इनका जो डाइट है वो बहुत ही स्पेशल है। फ्रेंड्स आप इनकी ये तस्वीर देखिए,
वाकई में इसे देखकर कोई भी कह दे कि इनकी तरह किसी भी महिला को बॉडी बनाना आसान काम नहीं लगेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर अपनी कोई राय देनी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ही इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।